नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में है। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से राम भुआल निषाद को मैदान में उतारा है। ऐसे में सीट पर अगले चरण यानी छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है, लेकिन इससे पहले सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। सुल्तानपुर जिले में इसौली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह मंगलवार को सपा में शामिल हो गए और सुल्तानपुर में चंद्रभद्र की गिनती बाहुबली में होती है। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने मेनका गांधी को कड़ी टक्कर भी दी थी और सीट पर इतने करीबी मुकाबला हो गया था। वहीं मेनका गांधी को मात्र 14,526 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि चंद्रभद्र को 4,44,670 वोट के साथ इस सीट पर दूसरे नंबर पर थे। वहीं चुनाव में बीजेपी और सपा के वोट प्रतिशत की बात करें तो 1% से ज्यादा कुछ ज्यादा का अंतर था और आम चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में ले लिया है। अब ऐसे समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव को चंद्रभद्र बुके देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सपा के लिए चंद्रभद्र कितनी अहमियत रखते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव खुद पूर्व विधायक की पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आए हैं। वहीं सुल्तानपुर में सियासत की एक नई विसात इन दिनों देखने को मिल रही है और इन दोनों नेताओं के चेहरे पर साफ झलकती हुई भी दिखाई दे रही। वहीं पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सपा के लिए नए नहीं है, वो 3 बार के पूर्व विधायक हैं। सपा में आने से पहले वो बसपा में थे, लेकिन बसपा में उनकी एंट्री सपा में हुई थी और वहीं चंद्रभद्र पहली बार सपा से ही विधायक निर्वाचित हुए थे और बाद में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने से पहले उन्होंने सभी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया था। तब से अभी तक चंद्रभद्र निर्दलीय राजनीति करते हुए नजर आए थे, लेकिन एक दिन पहले वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन कुछ घंटे में सियासी खेल बदल गया और चंद्रभद्र ने सपा का दामन थाम लिया और चंद्रभद्र ठाकुर जाति से आते हैं और सुल्तानपुर में ठाकुर मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। ऐसे में चंद्रभद्र 3 बार के पूर्व विधायक भी हैं, ऐसे में उनके पास समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है और खासकर ठाकुर में इनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इसके अलावा सुल्तानपुर में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। ऐसे में ठाकुर के अलावा अन्य समुदाय के वोटर्स में भी चंद्रभद्र काफी अच्छी पैठ रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर में अपनी सियासी बाहुबल का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे में चंद्रभद्र को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब सुल्तानपुर की जातीय समीकरण को समझ लेते हैं तो इस सीट पर कुल वोटरों की जो संख्या है वो 18,34,355 है और इसमें 80% हिंदू और 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है और इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 22% आबादी अनुसूचित जाति की है और इसके अलावा ठाकुर ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी की भी बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। अब आपको बता दें, चंद्रभद्र सिंह को लेकर कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और ओबीसी वोटरों के बीच में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए 25 मई को वोटिंग से पहले चंद्रभद्र सिंह का सपा में शामिल होना बीजेपी उम्मीदवार यानी मेनका गांधी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। वहीं बीएसपी की ओर से उदयराज सिंह वर्मान के मैदान में उतरने के बाद सीट पर पहले से ही त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। अब चंद्रभद्र सिंह सपा में शामिल होकर कहीं ना कहीं मेनका गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और सपा के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यानी मेनका गांधी को खासा नुकसान सुल्तानपुर सीट से देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पिछले चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रभद्र सिंह ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर दी थी। अब ऐसे में अगर ये समीकरण थोड़ा सा भी बदला तो ये पूरा जो खेल है वो पलटता हुआ नजर आएगा और अखिलेश यादव के खेमे में सारा वोट बैंक जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। वैसे में यही देखना होगा कि वाकई में क्या मेनका गांधी अपना चुनावी ताल यहाँ
पर ठोक पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी या फिर अखिलेश यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और पूरा खेल बिगाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।